दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर होने वाले चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान है, जिसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 13,638 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी और इसके साथ ही महिलाओं के लिए 68 पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं 68 मॉडल मतदान केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में वैसे तो 70 विधानसभा में है, लेकिन 2 विधानसभाओं की अपनी अलग सिविक एजेंसी है। मसलन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड सिविक एजेंसी के तौर पर काम करती है। यानी कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में 13,638 मतदान केंद्रों को स्थापित किया गया है। दिल्ली सीमा में शाहदरा जिला के सीमापुरी थाना अंतर्गत पुलिस के जवान दिल्ली में प्रवेश करने वाली हर गाड़ी को चेक करते नजर आए। वह देख रहे थे कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय वस्तु तो नहीं है। हर गाड़ी को चेक करते समय ये भी देखा गया कि पुलिस अपनी पैनी निगाह हर शख्स की ओर भी घुमा रही थी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी बॉर्डर पर मुस्तैद नजर आई। अभी हम लोग ग्रुप पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं। जो ये हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, ये कम्युनली सेंसिटिव भी समझा जाता है, और क्योंकि कल एमसीडी इलेक्शंस हैं तो उसकी मद्देनज़र अभी हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ग्रुप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब मैं और मेरे साथ मेरी सब डिविज़न की टीम और सभी SHOs अभी हम लोग पेट्रोलिंग में हैं। हमने इलाके में घूम के लोगों से भी मुलाकात की, पूछताछ की कि कोई किसी तरह का कोई डर तो नहीं है, कोई किसी तरह का कोई लालच या प्रलोभन, ताकि इलेक्शन जो है बिल्कुल फेयरली और फ्रीली हो सकें। लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं कि भारी मात्रा में आएँ और वोट दें। हमने जो पोलिंग स्टेशन हैं, प्रेमिसज हैं, उनका भी जायज़ा लिया, वहाँ भी हमने विज़िट किया। हमारे सेंट्रल ज़िले में 200 से अधिक जो है पोलिंग प्रेमिसज हैं और करीब 700 पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 54 जो हैं वो क्रिटिकली सेंसिटिव हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक पुख्ता पुलिस का अरेंजमेंट किया गया है। कल के दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऑन ग्राउंड लगाई गई है, भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स, उसके अलावा CAPF का जो कंपोनेंट है वो, और होम गार्ड। सो लगभग 3,000 से ज़्यादा का पुलिस फोर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बूथ पर डिप्लॉयड रहेगा। उसके अलावा अरेस्ट पार्टीज रहेंगी, उसके अलावा चेकिंग फ्रिस्किंग की टीम्स रहेंगी। अभी इस वक्त क्योंकि कैंपेनिंग बंद हो चुकी है, तो हमारी जो टीम्स हैं वो ज़्यादातर ऑन ग्राउंड हैं। हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स में बाहर घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं पे इलेक्शन में किसी और तरह की कोई भी वायलेशंस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग स्ट्रॉन्ग चेकिंग फ्रिस्किंग का उस तरह का माहौल बनाए हैं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो फ्रीली हों, बिना किसी डर के हों, फेयरली हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें और अंत में जो है लोकतंत्र की जीत हों।